यार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का कवर कर रहे हैं। हम लोग 2005-06 यहाँ से सभी लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पीजी किए हुए हैं। उसके पहले इसमें लगभग 90% लोग यहाँ से यूजी भी किए हैं और कुछ लोग पीएचडी भी यहाँ से किए हैं और कुछ लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे एज ए पोस्टेड हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था हमारा, हम सभी का एक मिलन समारोह था। और जैसा कि पहले दिन 7 तारीख को मनगढ़ कार्यक्रम था जिसमें पूरी टीम गई थी, मनगढ़ का दर्शन किया। उसके बाद 8 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सिविल लाइन में मुक्तानंद होटल में कार्यक्रम था। और आज सुबह गंगा स्नान और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, उसके बाद अपनी इस भूमि को नमन करने हम सब आए हैं। और आज मुझे लगता है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे बहुत कह सकते जो अंदर से एक अनुभूति हो रही है, ज्यादा मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, वो आज हो रही है और इस पल हो रही है। जैसा कि आप लोग भी शायद जो है देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं हम सभी के, ये वो स्थान है जहाँ हम लोगों ने 3 साल BA और 2 साल MA किया। और जैसा कि हमारे साथ खड़े हैं दिनेश भाई, ये एज प्रोफेसर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, हालांकि अभी रॉक पे हैं, गेस्ट फैकल्टी एज अभी कार्यरत भी हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या हम लोग जो 2001 से लेकर 6 तक थे यहाँ, क्या अभी भी वैसा ही है या कुछ बदला? नहीं, हमें तो लगता है कि मतलब हम लोग जैसे थे उस दौरान और उससे अच्छा काफ़ी माहौल लगातार बनता जा रहा है। और ये माहौल बनाने में यहाँ के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो ये कार्यक्रम है इसके माध्यम से हम लोग अपनी पुरानी बातों या पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और इसमें हम सारे मित्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये जो देख रहे हैं ये हमारी कर्म भूमि है जहाँ से है आज। अगर ये इसका सबसे बड़ा श्रेय जो हमको एक सूत्र में सबको जोड़ रखी है, बांध रखी है, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अभी सभी मित्रों को। और आगे मनोज जी आपसे बात करेंगे। मनोज जी, आज पुनः इस विश्वविद्यालय में आकर इतना गर्व की अनुभूति हो रही है कि शायद और किसी जगह पर नहीं होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने और इन दोस्तों के साथ पुनः मिलने का जो आनंद है वो अद्वितीय है। और इस विद्यालय को हम पुनः पुनः नमन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जब भी हम लोग यहाँ जब भी इलाहाबाद आएंगे, हम लोगों ने जो है हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि अब हर साल ऐसे ही, क्योंकि ये कार्यक्रम था उसमें कम से कम 100 लोग थे, क्योंकि बहुत सारे जो विभिन्न जिलों से आए हुए थे अधिकारी से लेकर के और शिक्षक तक सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। सभी ने एक कमिटमेंट किया है कि अब हम लोग हर साल ऐसे ही एक गेट टुगेदर कार्यक्रम करते रहेंगे। और जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं वो लोग इस इनके यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी अगली बार जरूर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए निश्चित तौर पर। और ये कार्यक्रम जो था ये केवल स्टूडेंट का नहीं था बल्कि पूरे परिवार का था ये, तो उसमें उनकी बीवी बच्चे सब आए थे और खास करके बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और ये गर्व किया कि ये भाई समूह अध्यक्ष हैं, समूह अध्यक्ष हैं। उधर देखो सर, ये थोड़ा बड़ा पूरा ले लीजिए, थोड़ा इनका पूरा देखिए, ये इनका ले लो भाई। देखिए ये है शेष भाई, ये पूरे ग्रुप को कह सकते हैं वो जड़ है जो बांधे रखे हैं। बिल्कुल इनके अंदर इतना पानी है कि अपने सुखने देते हैं नहीं सूखने देते हैं, लेकिन सबको उस जड़ पानी से सबको सींच करके इस पूरे परिवार को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा शेष भाई आपकी उम्र हम सबकी भी उम्र लग जाए और आगे जो है आगे आप ऐसे ही हम सबको जोड़े रहें, बांधे रहें और आपके अंदर जो सरसता है, जो आपके अंदर प्यार है वो ऐसे ही बना रहे। शेष भाई एक बात और कहते हैं, समय कभी पीछे नहीं जाता, क्या बात, लेकिन इन 3 दिनों में समय 17 साल पीछे चला गया। 2005 से कि वो उम्मीदें, वो शौर्य, वो जो उत्साह, वो सब कुछ वापस शरीर में समा गया। 2005 से जीवंत हो उठा, जो दवा था इस समय निकल आया। आइए आइए, हम चाहते हैं कि एक छोटा सा आप लोग यही डांस कर दें। अरे कहने क्या बात है यार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।